السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شانه نے فضل فرمایا اور ایک مدت کے بعد ماہانہ تزکیہ پروگرام کا سلسلہ شروع کرنے کی پھر توفیق عطا فرمائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب کبھی منقطع نہ ہو. اور اللہ تعالی شانہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے صحیح منہج پر چلاتے ہوئے اس سلسلے کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رکھے. اور ہمیں بھی اللہ تعالی شانہ اس سے خوب فائدہ پہنچائے. یہ معاملہ صرف پروگرام کی حد تک نہ رہے بلکہ یہ تزکیہ کا پروگرام جو ہے ہم اس سے حقیقی معنی میں استفادہ کرنے والے بنے.
कामयाबी तो काम से होगी न के हुस्ने कलाम से होगी, फिक्र और एहतिमाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। कामयाबी तो भाई काम करने से होती है, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं उस चीज को हासिल करने का तरीका पढ़ लेने से या सुन लेने से कामयाबी नहीं होती। पढ़ने से उस काम को करने का तरीका मालूम होता है, सुनने से उस काम को करने का तरीका मालूम होता है। तरीका मालूम हो जाने के बाद उस काम को करने से कामयाबी होगी। किताबें जो है वो एक अच्छा इंसान बनने का तरीका बतलाती है। दीनी किताबें पढ़ते हैं तो ये दीनी किताबें तफसीर हदीस फिक्र अकाइद से ताल्लुक रखने वाली जो किताबें हैं, दीन के किसी भी मजमून से ताल्लुक रखने वाली कोई किताब हो, वो हमें एक अच्छा इंसान बनने का तरीका बतलाती है। ये किताबें हमें अच्छा इंसान बना नहीं सकती, उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत हमें करनी है अच्छा इंसान बनने की, उस मेहनत का एक बहुत अहम जुज जो है वो सोहबत कामिल है, किसी कामिल की सोहबत को इख्तियार करना। तो जहां तक किताबों का ताल्लुक है और जहां तक वाज़ो नसीहत का ताल्लुक है, गुफ्तगू का ताल्लुक है, तकरीर का ताल्लुक है, तहरीर का ताल्लुक है, उससे तो हमें ये पता चलता है कि अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, अच्छा मोमिन कैसे बना जाता है, अच्छा मुस्लिम कैसे बना जाता है, मुत्तकी बंदा कैसे बना जाता है, अल्लाह का वली कैसे बना जाता है, तकरीर और तहरीर से कोई अच्छा मुत्तकी बन नहीं जाता, अच्छा मोमिन बन नहीं जाता, अच्छा मुस्लिम बन नहीं जाता, अच्छा इंसान बन नहीं जाता। अच्छा मुस्लिम, अच्छा मोमिन, अच्छा बंदा, मुत्तकी बंदा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। और जो काम करने पड़ते हैं उन कामों में से एक बहुत अहम काम ये है कि किसी कामिल को ढूंढा जाए, किसी कामिल को तलाश किया जाए, उसको अपना शेख बनाया जाए और उसकी सोहबत को इख्तियार किया जाए। ये बहुत अहम काम है, ये भी इसके लिए भी मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी अज्म की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो इसकी जरूरत को महसूस करते हैं और साल के साल गुजर जाते हैं मगर वो किसी को अपना शेख मुंतखब नहीं कर पाते। और ऐसे भी बहुत लोग हैं कि वो किसी को अपना शेख बना लेते हैं लेकिन उससे इस्तीफादे के लिए जिस सोहबत की जरूरत है उसको इख्तियार नहीं करते। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सोहबतों का भी एहतिमाम करते हैं मगर
अगर सोहबत बराए सोहबत चले गए उनके पास बैठ गए और उठ करके वापस आ गई, दिल में इसलाह और तजकिया की जो खुलूस वाली नीयत होनी चाहिए वो नीयत नहीं होती, इसलिए दिल में शेख के फैजान को जज्ब करने की सलाहियत पैदा नहीं होती। मिकनातीस मेटल जो है वो मैग्नेटिक होगी तो दूसरे मेटल को खींचेगी, तो दिल को मिकनातीसी बनाना पड़ता है तब शेख के फैज को वो खींचता है। अगर दिल को मिकनातीसी नहीं बनाएंगे, मैग्नेटिक नहीं बनाएंगे, तो साल हा साल शेख की सोहबत में बैठने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे, अल्लाह विलायत खासा मुझे अता फरमा दे, बस एक ही जिंदगी का मकसद है कि वली कामिल बन जाना है, अल्लाह का खास वली बन जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के, बड़ी बड़ी बातें। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी, और वो काम किया है फिक्र और एहतिमाम से होगी, फिक्र और एहतिमाम। फिक्र रहे कि मुझे अल्लाह का वली बनना है और अल्लाह का वली बनने के लिए मुझे ये काम करने हैं, और फिर उन कामों का एहतिमाम करे, फिक्र और एहतिमाम से होगी कामयाबी के लिए। फिक्र चाहिए और एहतिमाम चाहिए, और फिक्र और एहतिमाम मुझे क्या क्या करना है ये फिक्र रहे, मुझे अल्लाह का वली बनना है, मुझे मुत्तकी बनना है, मुझे अपनी इसलाह करानी है, मुझे तज़किया कराना है, दिल के रज़ाइल से दिल को पाक करना है, दिल को अखलाक़ फ़ाज़िला से आरास्ता करना है, ये फिक्र, और इस फिक्र के साथ इन चीजों को हासिल करने का एहतिमाम, और इन चीजों को हासिल करने के एहतिमाम के लिए जो सबसे अहम काम है वो जिक्रुल्लाह। तो फिक्र और एहतिमाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। इसी वजह से मैंने ये दुआ की कि अल्लाह ताला शानहु इस सिलसिले को ता कयामत जारी रखे और हम सबको इससे खूब फायदा पहुंचाए, मुतकल्लिम को भी और सामईन को भी, बोलने वाले को भी और सुनने वालों को भी। जिक्र और सोहबत ये दो चीजें असल हैं तज़किया के लिए। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहिमहुल्लाह ताला ने सवाने शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह में, हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, बात हजरत की है, अल्फाज मेरे हैं, के बातिनी बसीरत फिरासत ईमानी इल्म और तवील तजरबे के नतीजे में हजरत की ये राय बन चुकी थी के मुसलमानों के जितने मसाइल हैं, मुसलमानों की जो पस्ती है, मुसलमानों का जो डीजेनरेशन है, मुसलमानों की जो जिल्लत है, मुसलमानों के जितने मसाइल हैं और जितने प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह इखलास का न होना या इखलास की कमी, नंबर एक इखलास का न होना या इखलास की कमी, और नंबर दो अखलाक का न होना या अखलाक की कमी। और अखलाक से मेरी मुराद क्या है, बातें नहीं अखलाक, तवादू, सखावत,
खैरखाही, हमदर्दी, तवक्कुल, इसको अच्छी तरह से समझिए। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात इरशाद फरमाई है वो दरिया बकूजा है। समंदर को कूजे में बंद कर दिया, बात छोटी सी है लेकिन उसमें पूरा तसव्वुफ आ गया है, उसमें पूरी शरीयत आ गई है, उसमें पूरा दीन आ गया है। इंसान में खुलूस की कमी या खुलूस का फुकदान, इंसान में अखलाक की कमी या अखलाक का फुकदान कब होता है? जब तज़किया नहीं होता। तो हजरत फरमाते हैं कि मुसलमान जिन मसाइल से दो चार हैं, जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिस पस्ती से गुजर रहे हैं, उसकी वाहिद वजह जो यकीन के दर्जे में पैदा हो गई थी तवील तजरबे के नतीजे में, फिरासती ईमानी के नतीजे में, बातिनी बसीरत के नतीजे में, वो ये था कि मुसलमानों के पास खुलूस नहीं है और मुसलमानों के पास अखलाक नहीं है। जाहिरी एटिकेट्स तो है, वो आदाब तो है, वो अखलाक तो है जाहिर में, पोलाइटनेस वगैरह, मगर बातिन के अखलाक से खाली मुसलमान हो चुका है। और बातिन के जो अखलाक है उनमें सबसे आला जो खुलूक है या आला खुलूक में से जो है वो एक खुलूस है। और बातिनी खुलूक से अगर कोई महरूम है इसका मतलब है कि बातिन में रजाइल है, अखलाक नहीं है, अखलाक फाजिला नहीं है, रजाइल है। और अगर अखलाक फाजिला नहीं है और रजाइल है इसका मतलब है कि तज़किया नहीं हुआ है। तो खुलासा क्या निकला हजरत की गुफ्तगू का या हजरत की सोच का कि मुसलमानों के जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने मसाइल हैं, जो पस्ती है उसकी वाहिद वजह अदम तज़किया है। और आगे मौलाना अली मियां नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि और वो ये यकीन रखते थे कि मुसलमानों के इन सारे मसाइल का हल भी एक ही है और वो ये है कि दिल को इखलास से और अखलाक फाजिला से मुनव्वर किया जाए। तो दिल इखलास से और अखलाक फाजिला से मुनव्वर कब होता है? जब तज़किया हो जाता है। तो प्रॉब्लम तज़किया का न होना है और सॉल्यूशन तज़किया का हो जाना है। और तज़किया कैसे होगा? अखलाक रजीला दिल से निकल जाएं और अखलाक हमीदा आ जाएं, रिया और शो का जज्बा निकल जाए और खुलूस दिल में आ जाए। ये कैसे होगा? मोहब्बत इलाहिया से। ये हजरत रायपुरी की बात अर्ज कर रहा हूं जो मौलाना अली मियां नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। दोनों अपने अपने वक्त के शेख हैं। तो मुसलमानों की पस्ती, मुसलमानों का डीजेनरेशन, मुसलमानों की जिल्लत, मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के प्रॉब्लम्स जो पूरी दुनिया में है, पॉलिटिकल लेवल पर, इज्तिमाई शक्ल में, इनफिरादी शक्ल में, जो भी हो, उसकी वजह क्या है? खुलूस का न होना और अखलाक फाजिला का न होना, यानी तज़किया का न होना। तो सोल्यूशन क्या निकला, हल क्या है उसका? कि अखलाक फाजिला आ जाए और इखलास आ जाए, यानी तज़किया हो जाए। और अगर कोई ये चाहता है कि दिल में से गंदगी निकल जाए और अच्छा ही आ जाए, बुरी चीजें निकल जाए और अखलाक फाजिला आ जाए, रिया निकल जाए और खुलूस आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोहब्बत इलाहिया दिल में पैदा करे। इसलिए कि मोहब्बत इलाहिया पाकीजा चीज है और पाकीजा चीज गंदी जगह भी नहीं आ सकती। तो कोई मोहब्बत इलाहिया की कोशिश करेगा
तो इस कोशिश के नतीजे में दिल साफ सुथरा होगा और दिल साफ सुथरा होगा, तजकिया होगा, अखलाक रजीला निकलेंगे, रिया का जज्बा निकलेगा तो उसमें मोहब्बत इलाहिया आएगी। तो तजकिया कैसे होगा? मोहब्बत इलाहिया दिल में पैदा करने से, या दूसरी तरफ मोहब्बत इलाहिया पैदा हो जाएगी तो तजकिया हो जाएगा। अब आखिरी बात, और मोहब्बत इलाहिया दिल में कैसे आएगी? जिक्रुल्लाह से और सोहबत सालेह से। अब खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि मुसलमानों ने जिक्रुल्लाह और सोहबत सालेह का एहतिमाम छोड़ा तो मोहब्बत इलाहिया से महरूम हो गए। जब मोहब्बत इलाहिया से महरूम हो गए तो दिल मुजक्का न रहे, दिल मुजक्का न रहे तो खुलूस निकल गया, अखलाक फाजिला निकल गए, उसकी जगह पर रिया और शो का जज्बा आ गया और अखलाक रजीला आ गए, और उसके नतीजे में मुसलमानों की पस्ती हो गई। और इसे निकलने का तरीका क्या है? कि सोहबत सालेह का एहतिमाम करे, जिक्रुल्लाह का एहतिमाम करे, तो दिल मोहब्बत इलाहिया से मुनव्वर होगा। जब दिल मोहब्बत इलाहिया से मुनव्वर होगा तो मुजक्का मुजल्ला मुसफ़ा होगा, और जब मुजक्का मुजल्ला मुसफ़ा होगा तो दिल में अखलाक होंगे, अखलाक फादिला, दिल रिया से पाक होकर के लिल्लाहियत के जज्बे से सरशार होगा। और जब ये बात होगी तो फिर मुसलमानों को अल्लाह फिर उरूज अदा फरमाएगा। जिक्रुल्लाह और सोहबत सालेह, ये दो काम है जो करने हैं, जिसके बारे में ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि कामयाबी तो काम से होगी। ये दो काम है, कामयाबी तो काम से होगी। सोहबत सालेह, हर वक्त फिक्र रखे, सोचता रहे कि मैं वली कैसे बन सकता हूं, मेरी इसलाह कैसे हो सकती है, मेरा तजकिया कैसे हो सकता है, जैसे जैसे तरक्की होगी ये काम भी मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, कैसे मैं कर सकता हूं, कैसे निजामुल औकात बनाऊं, कैसे जिक्र को कंट्रोल में लाऊं, कैसे मामूलात को कंट्रोल में लाऊं, सोहबत सालेह बहुत जरूरी है, तो मेरा टाइम टेबल मुझे क्या इजाजत देता है, मैं अपने शेख की सोहबत में पूरे महीने में कितनी मरतबा जा सकता हूं, कितने वक्त के लिए जा सकता हूं, मुझे किन नीयतों के साथ जाना चाहिए, किस जज्बे के साथ जाना चाहिए, मैं अपने दिल को मिकनातीसी और मैग्नेटिक कैसे बनाऊं कि मैं शेख की सोहबत में जाऊं तो फैज को अपनी तरफ खींच सकूं। ये फिक्र रहे, फिक्र, और फिक्र के नतीजे में जहन में जो बात आए उसका एहतिमाम, फिक्र के एहतिमाम, फिक्र और एहतिमाम से होगी, ये सोहबत से ताल्लुक रखने वाले, और जिक्र के इल्तिजाम से होगी। हम तो महीने में एक दफा, महीने में एक दफा खानकाह में जाने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, दावत फिक्र है आप सब हजरात को मेरी तरफ से कि आप गौर कीजिए कि लॉकडाउन के खत्म होने से लेकर आज तक जिन लोगों का इस खानकाह से ताल्लुक है, शेख की सोहबत की फिक्र कितने लोगों ने की, कौन कितनी मर्तबा आया, कितनी देर के लिए आया, ऐसे दर्जनों है जो इस इंतजार में रहे कि मंथली प्रोग्राम शुरू होगा तो जाएंगे। तो सोहबत शेख का मंथली प्रोग्राम से क्या ताल्लुक है? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सहूलत है कि हमारे लिए मुहैया की गई है, मगर लॉकडाउन खत्म होने से लेकर अभी अभी जब से बाहर के प्रोग्राम मेरे तय हुए उस वक्त तक जिनका मुझसे ताल्लुक है उन्हें ज्यादा से ज्यादा यहां आना चाहिए था, और उन्हें यह सोचना चाहिए था कि ये पीरियड वो है कि शनिचर को भी कहीं नहीं जाता, इतवार को भी कहीं नहीं जाता, ये यही रहता है। लेकिन कितने लोग आए,
कितने लोगों ने एहतिमाम किया? फिक्र और एहतिमाम से होगा। अपनी अपनी फिक्रों का जायजा लीजिए मेरे भाइयों, और अपने अपने एहतिमाम का जायजा लीजिए। और आज भी देखिए, इतने महीनों के बाद पहला मंथली प्रोग्राम है। मजमा तो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, मजमा बहुत ज्यादा है, मस्जिद तकरीबन भरी हुई है। जितना मजमा हर महीने होता है उतना ही है, लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे नजर आ रहे हैं जो नहीं आए हैं। इसलिए कि डेढ़ साल से एहतिमाम ही नहीं किया, तो अब एहतिमाम करने के लिए तो बहुत कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी उनको। पता नहीं किस जंगल में हम लोग पड़े हुए थे और कितनी मेहनतों के नतीजे में शाहरा और मोटरवे पर आए हुए थे, और कोरोना वायरस के जमाने में हमने फिक्र नहीं की, मामूलात की भी फिक्र नहीं की, जिक्र के इल्तिजाम की भी फिक्र नहीं की, सोहबत साले की भी फिक्र नहीं की, तो वापस उस शाहरा से पता नहीं जंगल के किस कोने में इस वक्त हम ठोकरें खा रहे होंगे। तो दोबारा शाहरा पर आने के लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी जो पहली मरतबा की थी। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाही अली बहुत बड़े वली गुजरे हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाही अली इल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक तफसीर है, बहुत मशहूर तफसीर मजहरी, उसका नाम उन्होंने तफसीर मजहरी अपने शेख के नाम की वजह से रखा है। उस जमाने में अपने मशाइक से इतनी मोहब्बत थी। काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ने तफसीर लिखी, उसका नाम तफसीर मजहरी लिखा। क्यों भाई? इसलिए कि उनके शेख का नाम मजहर था, तफसीर मजहरी। और उसने इशारा ये किया कि इस तफसीर के अंदर जो कुछ मैंने लिखा है ये मेरा नहीं है, ये मजहरी है, मेरे शेख का फैज है। तफसीर मजहरी, ये मजहरी तफसीर है, मेरी नहीं, ये मेरे शेख का फैज है। ये मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अली के इतने बड़े मुरीद कवि सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अली। इसी से हमें क्या मालूम हुआ? इसी से हमें मालूम यह हुआ कि इल्म से रास्ता मालूम होता है। रास्ते पर चलने की सलाहियत पैदा करने के लिए सोहबत की जरूरत होती है। अगर इल्म काफी हो जाता तो काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अली इस दर्जे के आलिम थे कि उनको मिर्जा मजहर जाने जाना से के मुरीद होने की जरूरत नहीं थी, उनकी सोहबत में बैठने की जरूरत नहीं थी। हजरत हकीम अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैह की एक जबरदस्त बात मुझे याद आ गई। हजरत ये फरमाते थे कि 1,00,000 इमाम बुखारी हों और 1,00,000 अबू हनीफा हों और 1,00,000 इब्ने हजर हों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम कितना बुलंद इल्मी दुनिया में। मोहम्मद इब्ने इसहाक इब्ने खुज़ैमा रहिमहुल्लाह तआला फरमाते हैं के मातहत अदीम इस्माइल आलमो बिल हदीस में मोहम्मद इबन इस्माइल, इस आसमान की छत के नीचे मोहम्मद इबन इस्माइल और बुखारी से ज्यादा हदीस का इल्म रखने वाला कोई है ही नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इल्म में कितने ऊंचे, बहुत ऊंचे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने ऊंचे इल्म में कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये कहने पर मजबूर हो गए कि अन्नासु इयालुन अला अबी हनीफत फिल फिक्ह, कि
कि मैदान फिकह के जितने शह सवार हैं उन सबको अगर इकट्ठा कर लिया जाए और उनमें इमाम अबू हनीफा को बिठा दिया जाए तो इमाम अबू हनीफा बाप नजर आएंगे और बाकी सब बच्चे नजर आएंगे। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, सुफियान इब्न उयैना, सुफियान सौरी, इमाम अबू सौर, जितने भी बड़े बड़े फुकहा हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह से कौन वाकिफ नहीं है। कंप्यूटर थे हदीस के, कंप्यूटर थे। इस कंप्यूटर वाली दुनिया में लोग कंप्यूटर में देखते हैं और इब्ने हजर की तहकीक को देख रहे हैं तो उनकी अकल हैरान हो जाती है कि हदीसों का इतना इस्तेहजार इस शख्स को कैसे था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के वो सहाबी जो किसी देहात में रहते थे, बद्दू थे, आराबी थे, देहाती थे और काम उनका ऊंट और बकरियों को चराने का था, तो इल्म में तो वो सहाबी इमाम बुखारी का मुकाबला नहीं कर सकते, इल्म में वो सहाबी इमाम अबू हनीफा का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई वो देहात में रहने वाले, मदीना मुनव्वर आए, इस्लाम कबूल किया, वापस चले गए, अपनी रोजी रोटी की फिक्र में, बच्चों को पालने की फिक्र में वही ऊंटों को चराते रहे। मैं बसीरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रूहानियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इल्म की बात कर रहा हूं। वो हाफिज इब्न हजर का मुकाबला कैसे कर सकेंगे, वो इमाम अबू हनीफा का मुकाबला कैसे कर सकेंगे, वो इमाम बुखारी का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। लेकिन हकीम अख्तर साहिब तो एक कदम और आगे बढ़ाकर कहते हैं कि 1,00,000 हाफिज इब्न हजर हो और 1,00,000 इमाम अबू हनीफा हो और 1,00,000 इमाम बुखारी हो और दूसरी तरफ देहात में रहने वाला ऊंटों को चराने वाला सहाबी हो, ये सारे मिलकर उस एक का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर फरमाते हैं कि वजह क्या है इसकी, अगर इल्म वजह होती तो अफजल इनको होना चाहिए था। मालूम हुआ कि वजह सोहबत है, रूहानियत में तरक्की इल्म से नहीं होती, सोहबत से होती है। और अल्लाह के यहां अफजलियत का मदार इल्म की बुनियाद पर नहीं, अमल की बुनियाद पर है और अमल रूहानियत की बुनियाद पर वजूद में आता है। तो मालूम हुआ कि इतना कुछ पढ़ लेने के बाद भी रूहानियत में वो तरक्की नहीं हुई जो एक सहाबी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में चंद लम्हे गुजारने से पैदा हो गई। इसीलिए बाज़ बुजुर्गों ने यह बात लिखी है कि पूरी दुनिया ओएस करनी से भर जाए। साहिब इल्म भी थे ओएस करनी रहमहुल्लाह ताला और बड़े ऊंचे दर्जे के आबिद थे, पूरी दुनिया ओएस करनी से भर जावे, लेकिन ये सारे मिलकर भी ऊंट चराने वाले एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि ओएस करनी को वो सोहबत नसीब नहीं हुई जो उनकी हुई। मालूम हुआ कि जो तरक्की होती है रूहानियत की और रूहानियत के जो मकामात तय होते हैं वो तो सोहबत से होते हैं। और ये हम लोग चूंकि वाकिफ नहीं है शरीयत के की हकीकत से, मेहनत नहीं करते ना दीन को समझने की, इसलिए हमें ये बात समझ में नहीं आती। मगर जिन लोगों को ये हकीकत मालूम है उनका हल देखिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दर्स दे रहे हैं और उनके तलामीज़ा बैठे हुए हैं और इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आते हुए नजर आए, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्दों की तरफ देखकर कहा कि जा सय्यदुना इब्राहिम इब्न अदहम। वो इस दर्जे के आलिम नहीं थे, वो फकीह नहीं थे। जा सय्यदुना इब्राहिम इब्न अदहम, कि हमारे सरदार इब्राहिम बिन अदहम आ गए। देखो उस जमाने के अंदर रूहानियत की वैल्यू थी, हमारे सरदार इब्राहिम बिन अदहम आ गए।
तो लोगों ने पूछा कि हजरत आप इनको अपना सरदार कह रहे हैं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई नुमान इब्ने साबित तो अपने जिस्म की खिदमत में लगा हुआ है, इब्राहिम बिन अदम अल्लाह की खिदमत में लगे हुए हैं। चौबीस घंटे उनकी फिक्र यही, इसी का ताल्लुक माल्ला उनको नसीब हो गया, अल्लाह का ताल्लुक दिल साफ हो गया। और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को घिरे पड़े आदमी नहीं थे, उन्होंने विलायत के मकामात तय किए थे, उसके बावजूद भी वो इब्राहिम बिन अदहम को देखते थे तो उनको ऐसा नजर आता था। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को छोटे मोटे आदमी नहीं थे, आला दर्जे के मुहद्दिस, आला दर्जे के फकीह, अल्लाह जल्ला जलालुहु आम्मा नवालुहु को 100 मरतबा ख्वाब में देखने की सआदत नसीब हुई, 100 मरतबा। और जितना बड़ा जनाजा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अली का था तारीख में, ऐसा जनाजा किसी का नहीं हुआ। कितने गैर मुस्लिम उनके जनाजे को देखकर इस्लाम में दाखिल हुए, जिसका फैज इतना वसी हो। उनके दिल में बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह का कितना ऊंचा मकाम है वो देखिए। बिशरे हाफी रहमतुल्लाह ताला इल्म में उस मकाम के नहीं थे, किसी ने पूछा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मल इखलास, इखलास क्या है, तो उन्होंने कहा कि अल इखलास व खलासुल आमाली मिनल आफात, कि इखलास जो है वो आमाल का आफतों से बच जाना है। एक आदमी अमल करता है और अगर रिया होती है तो वो अमल जो है वो आफत उस पर आ गई और बर्बाद हो गया, और इखलास आ जाते हैं तो कहा कि अमल आफत से बच जाए, ये इखलास है। तो पूछा कि मत तवक्कुलो, तवक्कुल किया है, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने कहा तवक्कुलो अस्सिकतु बिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना ये तवक्कुल है। तो उसने सवाल पूछा कि मर रिजा, रिजा किया है कि इंसान का दिल जो है हर चीज पर मुतमईन रहे, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा रिजाओ तस्लीमुल उमूरी इलल्लाह, अपने तमाम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, यह है रिदा। तो उसने चौथा सवाल पूछा कि मल महब्बतो, मोहब्बत इलाहिया क्या है। ये वो इमाम है जिसको 100 मरतबा अल्लाह की ख्वाब में जियारत की सआदत नसीब हुई है। 3 सवाल पूछे जवाब दिया, चौथा सवाल पूछा कि मल महब्बतो, अल्लाह की मोहब्बत क्या है, तो कहा कि इसका जवाब तो तुमको बिशरे हाफी देंगे, मैं नहीं दे सकता। कोई तो बात होगी ना कि बिशरे हाफी इल्म में आपसे कम दर्जे के हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मोहब्बत इलाहिया क्या है, वो तो हजरत के पास जाओ, बुजुर्गों के पास जाओ। और बहुत एहतराम करते थे, बहुत एहतराम करते थे, बहुत एहतराम करते थे बिशरे हाफी का। तो अब शागिर्दों को तो इल्म नजर आता है ना, तो शागिर्दों ने एक दिन कहा कि आप बिशरे हाफी का इस कदर एहतराम करते हैं, और इतना उनके पास जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, आमद और रफ्त इतनी उनकी सोहबत में जाते हैं, आपको जाने की क्या जरूरत। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि मैं आलिम बि किताबिल्लाह हूं और वो आलिम बिल्लाह है, मैं तो अल्लाह की किताब को जानता हूं और वो अल्लाह को जानते हैं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा की 3 किस्में हैं, एक तो वो है जो आलिम बिल्लाह, सिर्फ आलिम बिल्लाह, अल्लाह को जानता है, अल्लाह की मारिफत उसे हासिल है, आलिम इतने ऊंचे दर्जे का नहीं है, उसने तज़किया की मेहनत की तो अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने उसे बहुत ऊंचा मर्तबा अता फरमाया, आलिम बिल्ला। और
उसके नतीजे में फिर इल्म लदुन्नी नसीब होता है, वो मामला अलग है। मगर बाज़ाबता किसी मदरसे में पढ़ा, इल्म हासिल किया, मुहद्दिस मुफस्सिर हुआ, ऐसा नहीं। आलिम बिल्लाह नहीं, वो आलिम बि अम्रिल्लाह नहीं, इल्म का आलिम नहीं, अल्लाह का आलिम, अल्लाह की मारिफत, आलिम बिल्लाह। एक तो वो आलिम, जैसे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह थे, आलिम बिल्लाह, और दूसरा आलिम बि अम्रिल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालों के अहकाम से वाकिफ। लेकिन तज़किया की मेहनत न करने की वजह से, किसी शेख के सामने अपने आप को न झुकाने की वजह से अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं हुई। तो एक वो है जो आलिम बिल्ला है, दूसरा है आलिम बि अम्रिल्ला। एक कौन है? आलिम बिल्ला। इतना बड़ा आलिम नहीं है, इतना बड़ा अल्लामा नहीं, मुहद्दिस मुफस्सिर फकीह नहीं, एवरेज दर्जे का इल्म उसके पास है, और अपने शेख की सरपरस्ती में चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो बातिन के ऐसे ऐसे चीजों से वाकिफ है कि अकल हैरान। आलिम बिल्ला, अल्लाह की मारिफत उसे हासिल है, और जब अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है तो फिर ऐसे ऐसे उलूम का इल्का होता है कि बड़े बड़े उलमा चक्कर खा जाते हैं कि क्या कह गया ये शख्स। ये जो हमारा मदारिस में दरसे निजामी पढ़ाया जाता है ना, दरसे निजामी, उसको मुरत्तब करने वाले मुल्ला निजाम है, और ये मुल्ला निजाम कौन है? आलमगीर ने 500 उलमा की एक टीम मुकर्रर की, 500 उलमा, और इनको ये कहा कि एक फतावा की किताब मुरत्तब करो, और उसके नतीजे में ये फतावा आलमगीर वजूद में आई। तो ये फतावा आलमगीर को मुरत्तब करने के लिए जिन 500 उलमा को मुकर्रर किया गया था, उन पर अमीर मुल्ला निजाम को मुकर्रर किया गया था, फाइनल फैसला उनका होता था, इतने बड़े आलिम। उनके जमाने में एक बहुत बड़े शेख थे, शेख अबू उस्मान बांसवी रहिमहुल्लाह ताला। अबू उस्मान या उस्मान बांसवी रहिमहुल्लाह ताला, वो आलिम बिल्लाह थे और ये आलिम बि अम्रिल्लाह थे। मुल्ला निजाम अल्फाज हुरूफ जुजियात फिक्ह तफसीर हदीस वगैरह में बहुत महारत रखते थे, लेकिन तज़किया की मेहनत नहीं की थी, इसलिए आलिम बिल्ला नहीं थे। और वो जो अबू उस्मान बासवी थे, वो किसी मदरसे में पढ़े नहीं थे, बचपन में कुरान भी खत्म नहीं किया था नाजरा, हालात ऐसे थे उनके, लेकिन बातिन पर उन्होंने मेहनत की, और बातिन पर जब मेहनत की तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वा मनवालुहु ने उनको आलिम बिल्लाह बना दिया। तो एक आलिम बि अम्रिल्लाह थे मगर आलिम बिल्लाह नहीं थे, और दूसरे आलिम बिल्लाह थे आलिम बि अम्रिल्लाह नहीं थे। मगर आखिरत की फिक्र तो करनी पड़ती है ना। तो मुल्ला निजाम अबू उस्मान बांसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हजरत मुझे बैत फरमा लीजिए, इसलिए कि सोहबत के बगैर, किसी की रहनुमाई के बगैर, ये सिर्फ इल्म जो है वो रहनुमाई तो करता है मगर इस पर अमल करना आसान नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला शानों ने सिर्फ किताबों को नहीं उतारा, वरना ऊपर से आसमान से आवाज आ जाती कि अकीम सलात व आतु ज़कात। नहीं, ऊपर से जितने अहकाम आए उनको लेकर अल्लाह ने रिजालुल्लाह को भेजा कि अल्फाज है, अल्फाज से रहनुमाई मिलेगी, और ये सोहबत है, सोहबत से इस रहनुमाई के मुताबिक चलने की ताकत पैदा होगी। किताबुल्लाह रिजालुल्लाह दोनों सिलसिले चले, बैत हो गए,
बैत हो गए तो वो जो इनके दूसरे साथी थे 500 उलमा, उन्होंने इन पर तंज शुरू कर दिया और कोसना शुरू कर दिया कि एक बिल्कुल जाहिल आदमी को आपने अपना शेख बना लिया। इनसे जब सहा नहीं गया तो ये अपने शेख के पास गए और कहा कि हजरत आपके हाथ पर मैं बैयत हुआ हूं। तो ये बड़े बड़े जो उलमा है, जो एकेडमिक्स है, उनको समझ में नहीं आ रही है बात। तो आप जरा तशरीफ लाएं, मैं इन 500 को एक जगह पर जमा करता हूं और आप वाज फरमाएं। अब वाज फरमाएं और ये करना है इनकी हिदायत के लिए, दूसरा कोई अपने मर्तबा मकाम को दिखाने के लिए नहीं। इन्होंने हामी भर ली और हामी भरने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ करके कहा कि ये अल्लाह मैं जाहिल आदमी, मुझे कुछ आता नहीं है और मुल्ला निजाम मुझे उलमा के सामने बयान करने के लिए कह रहे हैं, आप मेरी दस्तगीरी फरमाइए। और बैठ गए जाकर के 500 उलमा के सामने, वो एक दूसरे को देखकर इशारा कर रहे थे कि जाहिल आदमी हमारे सामने बयान करने के लिए बैठ गया है, मजा आएगा। उन्होंने तकरीर शुरू की, तकरीर शुरू की तो बिल्कुल इब्तिदा ही से जो उलमा बैठे हुए थे और वो 500 उलमा जिनका आलमगीर ने इंतखाब किया था फतावा आलमगीर की तसनीफ और तालीफ के लिए, उनको कुछ कुछ समझ में आ रहा था। शुरू ही से तकरीर कुछ कुछ समझ में आ रहा था। और एक आलिम होता है तो कोई दकीक मजमून होता है और कुछ कुछ उसे समझ में आता है तो वो समझ जाता है कि ये तो बात बराबर कर रहा है मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दंग रह गए। और फिर उरूज हुआ, मजामीन का इल्का होता रहा और उरूज हुआ, और उरूज इस हद तक हुआ कि उलूम को सुनते सुनते ऐसी हैरानगी उनको हुई कि 500 का मजमा बेहोश होकर गिर गया हैरत में। जैसे हैरत में जब कोई आदमी कोई चीज देखता है और बेहोश हो जाता है, उलूम को सुन करके इतने हैरत ज्यादा हो गए कि 500 के 500 बेहोश हो गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आलिम बिल्लाह जो है वो बाकायदा किसी से पढ़ा हुआ नहीं होता और उसे जब मसला भी पूछते हैं तो आपको यही कहेगा कि मौलाना से पूछे, मैं आलिम नहीं हूं। लेकिन अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है तो अल्लाह ताला शानहु इल्का फरमाते हैं। इसीलिए हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि से जब पूछा गया कि आप इतने बड़े आलिम और एक ऐसे शख्स के हाथ पर आपने बैत कर ली जो आलिम भी नहीं, तो कौन सी चीज ने आपको खींचा, क्या चीज आपने देखी हाजी साहब में, अकीदत आपके दिल में किस चीज से पैदा हुई? तो मौलाना कासिम नानूदी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि न पढ़े हुए होने के बावजूद उनका जब इल्म हमने देखा तो उसकी वजह से मैं अकीदतमंद हो गया कि नहीं पढ़ा हुआ आदमी और इतना इल्म का, मैं तो उनके इल्म की वजह से उनका अकीदतमंद हूं। तो एक होता है आलिम बिल्लाह, अल्लाह को पहचानता है मगर इल्म उस दर्जे का नहीं। दूसरा होता है आलिम भी अमरिल्ला, इल्म बहुत आला दर्जे का लेकिन अल्लाह की मारिफत उसे हासिल नहीं। ये बड़ी हलाकत में है। ये पहले वाला तो खुश नसीब है कि इतने बड़ा इल्म नहीं मगर अल्लाह को पहचान लिया है। दूसरा और तीसरा, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बास फुकहा से नकल करते हैं कि उलमा की 3 किस्में है, आलिम बिल्लाह, आलिम बी अमरिल्ला। ये आलिम बी अमरिल्ला खतरे में, आलिम बिल्ला खतरे में नहीं मगर कम दर्जे का। और तीसरा, आलिम बिल्ला ही वो भी अमरिल्ला है, वो जिसको अल्लाह की शरीयत का भी इल्म है पूरा पूरा और अल्लाह की मारिफत भी उसे हासिल है। तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाजे फुकहा ये फरमाते हैं कि इन 3 किस्मों में से जो तीसरी किस्म है आसमानों में उनको अजीम कहा जाता है कि जबरदस्त आदमी है।
तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं आलिम भी किताब अल्लाह हूं, मुझे तो अल्लाह की किताब का इल्म है, और बिशरे हाफी आलिम बिल्ला है, इनको अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की मारिफत हासिल है। और ये बिल्कुल जाहिर और बाहिर है कि आलिम बिल्लाह को आलिम भी किताब अल्लाह पर फजीलत हासिल है, इसलिए मैं इनका इकराम करता हूं, इनके पास जाता हूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि छोटे बड़े हैं मगर एक जमाने के हैं, दोनों की मुलाकात भी साबित है, बहुत ऊंचे दर्जे के उलमा दोनों, बहुत ऊंचे दर्जे के उलमा। लेकिन इमाम जाफर अस-सादिक रहिमहुल्लाह ताला के हाथ पर बैत हुए, उनकी सोहबत में रहे, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की इतनी इल्मी तगो दो, इतनी मेहनत इल्म सीखने और सिखाने में, 2 साल तक इमाम अबू जाफर की तरबियत में रहे, और बाद में ये फरमाया करते थे कि लौल सनतान लहलकन नौमान, मेरी सारी इल्मी खिदमत एक तरफ, अगर वो 2 साल मैंने इमाम अबू जाफर सादिक की सोहबत में न गुजारे होते तो अबू हनीफा दुनिया में भी हलाक हो जाता और आखिरत में भी हलाक हो जाता। सोहबत मेरे भाइयों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी पते की बात लिखी है, हजरत फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कि जमीन अगर नापाक हो जाए तो उसके पाक होने के 2 तरीके हैं, जमीन पर कुत्ते ने पेशाब कर दिया, जमीन पर बच्चे ने पेशाब कर दिया, जमीन पर खून गिर गया, क्या उसके पाक होने के 2 तरीके हैं, एक तो ये कि उस पर बारिश खूब बरसे या पानी खूब बहाओ और वो पानी का बहाव जो है वो नजासत को बहा करके ले जाए तो वो जमीन पाक हो गई। और दूसरा तरीका ये है कि सूरज की गर्मी उस नजासत को जला दे, खुश्क हो जाए बिल्कुल, जिस जमीन के ऊपर वो पेशाब था वहां पर सूरज की गर्मी, सूरज की गर्मी, सूरज की गर्मी, तो तुहरोहा युब सुहा, बस वो खुश्क हो गई, इसका मतलब यह है कि सूरज ने इसको जला दी। ये कहकर के शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दिल भी एक जमीन है और इस पर भी नापाकी और नजासत आ जाती है, हसद की, कीने की, बुग्ज की, और इसे पाक करने के भी यही 2 तरीके हैं, एक धोने का और एक जलाने का। और हजरत फरमाते हैं कि जो शख्स जिक्र कसीर करता है तो जिक्र कसीर बारिश की तरह बरसती है उसके दिल पर और उसकी सारी गंदगियों को धोकर ले जाती है, जिक्र कसीर धोकर ले जाता है। और सोहबत अहलुल्ला ये बमंजल सूरज के है, जब कोई किसी शेख की सोहबत में बैठता है तो उसके कल्ब से वो हरारत की, इश्क इलाही की हरारत की किरणें फूट फूट कर मुखलिस सालिक जो तज़किया की नीयत से आया हुआ है उसके दिल पर पड़ती है और दिल में जितनी गंदगियां हैं उसे जला कर रख देती है। जिक्र कसीर भी बहुत जरूरी है और सोहबत साले भी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने सोहबत साले का एहतमाम किया और फिर उन्होंने एतराफ किया कि अगर मैं ये काम न करता तो नाकाम रहता। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह छोटे आदमी नहीं है, सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आदमी, फुदैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आदमी, ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। और किस दर्जे के शागिर्द आप जानते हैं, एक वाकिया नकल करते हैं सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह ताला, तो वो फरमाते हैं कि हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे, आपका सर मेरी गोद में था और आपके कदम फुजैल बिन अय्याज की गोद में थे, इस दर्जे के हाल है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। मगर अपनी इस्लाह के लिए उन्होंने भी किसी शेख को ढूंढा, और किस शेख को ढूंढा, ऐसे शेख को ढूंढा जो गुमनाम, गुमनाम अबू हाशिम अस-सूफी,
उलमा के सामने जब इसका तज़किरा करते हैं तो 99% उलमा ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली मर्तबा नाम सुना होता है, अबू हाशिम अस्सूफी, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो उलमाए किराम के जम गट्ठे में रहने वाले, असातिज़ा भी बहुत बुलंद और शागिर्द भी बहुत बुलंद, मगर इस्लाह नफ्स के लिए अबू हाशिम अस्सूफी के पास गए और अबू हाशिम अस्सूफी के हाथ पर बैत हुए, बैत होकर अपनी इस्लाह कराई और फिर ये फरमाया करते थे कि अगर मुझे अबू हाशिम अस्सूफी की सोहबत नसीब न होती तो मैं रिया के खतरात से वाकिफ न हो सकता। रिया मेरे दिल से गुजर रही है, पता न चलता मुझे। और इमाम मोहम्मद शरीफ जुर्जानी रहमहुल्लाह ताला, इमाम उन्नाव, कितने बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने भी एक शेख ढूंढा, काजी अलाउद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह ताला। यहां भी वही बात, उलमा के सामने बयान करते हैं कि मोहम्मद शरीफ जुर्जानी, सब जानते हैं कि बहुत बड़े इमाम, और उनके सामने ये बयान करते हैं कि काजी अलाउद्दीन अत्तार, ये तो नाम ही नहीं सुना है हमने। जब आपने नाम नहीं सुना है, इतने गुमनाम आदमी है, उसके बावजूद वो साहिब जिनको आप जानते हैं मोहम्मद शरीफ जुर्जानी, वो उनके पास गए और उनके पास जाकर के कहा कि हजरत बैत फरमा लीजिए तो कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बैत हो गए, बैत होने के बाद अपनी इस्लाह कराई, इस्लाह कराने के बाद क्या जुमला इरशाद फरमाते थे, ऐसा फरमाया करते थे कि मा अरफ्तुल हक सुबहानहु व तआला मालम असिल इलल अत्तार। भाई वो नहवा के इमाम थे का माना ये नहीं कि उनको सिर्फ लुगत मालूम थी और दूसरी फील्ड में जीरो थे, नहीं नहीं, बड़े बड़े उलमा थे, फिकह में हमसे ज्यादा उनको महारत, हदीस तफसीर में हमसे ज्यादा महारत, मगर आला दर्जे की महारत ये, और उन्होंने ऑक्यूपेशन उसको बनाया था, अपना मैदान इसको बनाया था। तो वो ये कहते हैं कि जब तक के मैं मेरे शेख काजी अलाउद्दीन अत्तार के पास न पहुंचा, उस वक्त तक मुझे अल्लाह की मारिफत ही नहीं थी, मैंने तो अल्लाह को पहचाना ही उनके पास जाकर। अब हम लोगों का ताल्लुक हमारे मशाइख से होता है, मगर सही मेहनत न करने की वजह से हमें कुछ मिलता नहीं, और मिलता नहीं इसलिए हमें एहसास ही नहीं होता कि हमें वहां से कुछ मिला है। और काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह को एहसास था कि मुझे बहुत कुछ मिला है, इसलिए उन्होंने तफसीर का नाम तफसीर मजहरी रखा, और यही मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे एक मुरीद है, बहुत बड़े शाह गुलाम अली रहिमहुल्लाह ताला, शाह गुलाम अली रहिमहुल्लाह ताला। उन्होंने अपने आप को मिटाया सही तरीके से, सोहबत बैयत भी हो सही तरीके से, फिर शेख के साथ मामला भी सही तरीके से हो, अदब वाला मामला, इखलास वाला मामला, इक्तिसाब फैज का जज्बा हो दिल में। शाह गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह सैयद बैत हो गए मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से, और खिदमत में लग गए, खिदमत में लग गए, दिल्ली में थे, और मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह इस्लाह बराबर करते थे, नाजुक मिजाज भी थे। तो एक मरतबा शाह गुलाम अली साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो पंखा झूल रहे थे, उस जमाने में वो पंखा गर्मी होती है तो शेख की खिदमत कर रहे थे ऐसे, और ये कोई गुलामी नहीं कर रहे थे, दिल से पंखा कर रहे थे। तो पंखा कर रहे थे तो मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह ने फरमाया कि गुलाम अली हाथ में ताकत नहीं, तो इन्होंने जोर से करना शुरू किया, तो जवान थे, उड़ाने का इरादा है,
डंडा फिर उड़ाने का इरादा है। ये सारी नजाकतें नहीं होती, ये जो नजाकतें हैं ना वो भी बरमहल होती है। बाज मशाइक के बारे में लोगों को ऐसा नजर आता है कि बहुत नाजुक मिजाज है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, बहुत नाजुक मिजाज है, छोटी छोटी बात पर गुस्से हो जाते हैं। जिस जगह पे गुस्सा होना है वहां होते हैं वो, जहां ऑपरेशन करना होता है वहां करते हैं वो। तो खादिम थे, हर वक्त साथ रहते थे, तो जरा बेतकल्लुफी से उन्होंने कह दिया कि हजरत न ऐसे बने न वैसे बने, ये जुमला निकल गया जुबान से, न ऐसे बने न वैसे बने, यानी हल्के हाथ से करता हूं तो आप कहते हैं कि ताकत नहीं, और अगर जरा जोर से करता हूं तो आप कहते हैं कि उड़ाने का इरादा है, तो ऐसे भी न बने और ऐसे भी न बने, बस नाराज हो गए और निकाल दिया, निकाल दिया। मेरे भाइयों, ये लोग बड़े बड़े इसीलिए हुए कि उन्होंने अपनी इस्लाह कराई। ये दवाई खाने के लिए भी तैयार थे, सिरप पीने के लिए भी तैयार थे, और सर्जन अगर ऑपरेशन करता था तो उसके लिए भी तैयार थे। और हम लोग ऑपरेशन तो किया, हम तो दवाई खाने के लिए तैयार नहीं। जरा हमारी किसी गलती पर शेख नाराज होने की गलती तो करे, शेख को खुद को ऐसा ख्याल आएगा कि यार नाराज होकर मैंने गलती की है। इसलिए नाराज तो इसलिए हुआ जाता है, नाराज तो इसलिए हुआ जाता है कि उसके नतीजे में उधर से रिएक्शन होगा, और ताल्लुक तोड़ने के लिए थोड़ा ही होता है, मगर इधर नाराज हो गई तो उन्होंने ताल्लुक ही मुनकते कर लिया। तो शेख को फिक्र होती है कि अब अगर ये सिलसिला तूल पकड़ता चला गया, कहीं बिल्कुल ही आना जाना बंद ना कर दे और बिल्कुल गुमराह ना हो जाए, तो शेख को एहसास होने लगता है कि मैंने गलती की। इसीलिए आजकल मशाइक नाराज नहीं होते, डांटते नहीं, और हमारी इस्लाह नहीं होती। नाराज हो गए, नाराज हो गए, वो मनाते रहे, और कई दिन इसमें गुजर गए, कई दिन गुजर गए, फिर राजी हो गए, उनकी इस्लाह हुई, और इस्लाह होने के बाद खिलाफत मिली उनको, और खिलाफत मिली, और उनको खिलाफत देकर के कहा कि मेरी तरफ से तुम्हें अब इजाजत है, तुम्हारे अंदर अब कमाल आ गया है, जाओ जाकर के बैत करो लोगों को और अल्लाह अल्लाह सिखाओ लोगों को। और फिर हजरत ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर सख्ती की, सख्ती की मैंने, अब खत्म हो गई बात, इस्लाह हो गई आपकी। ये जो सख्ती की वो जिस मकसद के लिए आप आए थे उस मकसद के लिए जरूरी थी, आप अपनी इस्लाह कराने के लिए आए थे उसके लिए जरूरी थी। ये शाह गुलाम अली मिर्जा मजर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के पास जरा ही अपनी इस्लाह कराई, और इस्लाह करा करके जब कुछ बने इज्जत कितनी मिली कि शाम से शाह अबू खालिद कुर्दी, एक बहुत बड़े आलिम, इनका शोहरा सुनकर शाम से दहली इनके पास इस्लाह के लिए आए, और इस्लाह के लिए आए और इनके हाथ पर बैत हुए। बात असल में क्या चल रही है, यानी असल तो दूसरी मगर अभी भी कि आदमी खुलूस के साथ अपने शेख से इक्तिसाब फैज तो करे, सिर्फ मजलिस में आ जाने से कुछ नहीं होता, इक्तिसाब फैज करे। एक चीज तो एक है शेख कामिल हो, वही कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा आगे मुरीद को, और दूसरा यह है कि मुरीद जाए इक्तिसाब फैज के लिए, अपने अंदर मिकनातीसी असर पैदा करे, अंदर खुलूस हो, अंदर जज्बा हो कि मैं शेख से कुछ लेकर के निकलूं। हो सकता है कि आखिरी मजलिस हो सकता है कि इस मजलिस के बाद मेरे शेख दुनिया से रुखसत हो जाए और मुझे दूसरी मजलिस न मिले, हो सकता है कि मेरा इंतकाल हो जाए, और अपनी जमीन को मिकनातीसी और मैग्नेटिक बनाने के लिए मामूलात की पाबंदी करे, गुनाहों से बचने का मुजाहदा करे, गुनाह हो जाए तो तौबा करे, दिल में शेख की मोहब्बत लिए लिए फिरे, रब्त शेख के कल्ब के साथ। तो आदमी ऐसा बन जाता है कि शाम से दिल्ली तक सफर करके शेख अबू खालिद या शेख खालिद अल कुर्दी रहिमहुल्लाह ताला पहुंचे और इनके हाथ पर बैत हुए। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, और वो भी दिल्ली में है, और उन्हें पता चला कि शाम से शेख अबू खालिद कुर्दी आए हुए हैं यहां। तो
साहेब इल्म आदमी, ये भी साहेब इल्म आदमी, तो वो उनको मिलने के लिए आए कि गुलाम अली शाह गुलाम अली के यहां शाम के एक बहुत बड़े आलिम इक्तिसाब फैज के लिए आए हुए हैं, तो मुझे उनको जाकर के मिलना चाहिए। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो अपने घर से निकलकर इनको मिलने के लिए खानकाह में पहुंचे, और खानकाह में पहुंचकर किसी से कहा कि भाई शाम से बहुत बड़े आलिम आए हुए हैं, तुम इनको जाकर के कहो कि अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तुमको मिलने के लिए आए हुए हैं। वो भी इनको पहचानते थे, तो जब उनके पास कासिद गया और कहा कि बहुत बड़े मुहद्दिस देहली के शाह अब्दुल अजीज आपको मिलने के लिए आए हैं, तो इन्होंने एक वरक लिया और कलम लिया और कुछ लिखा और लिख करके कहा कि ये उनको पहुंचा दो। जब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने वरक खोल करके देखा, ये तो इल्मी मिजाज के आदमी थे, और इल्मी मिजाज के आदमी को हाथ से नहीं जाने देता। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने शेख से इक्तिसाबे फैज के लिए 40 दिन फारिग करके आया हुआ हूं, और इस वक्त उनके पास 40 दिन के लिए इक्तिसाबे फैज कर रहा हूं, इस मुद्दत में मैं अपने कल्ब को किसी और चीज की तरफ मुतवज्जे करना नहीं चाहता, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वक्त तो आप तशरीफ ले जाएं, जब मैं 40 दिन इक्तिसाबे फैज से फारिग हो जाऊंगा तो खुद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अब इस कुर्बानी से इन्होंने जज्ब किया शेख का फैज, इनको इजाजत मिली, ये चले गए शाम, इनको भी अल्लाह ने मकबूलियत अता फरमाई। सही कस्बे फैज होगा तो मकबूलियत होगी, इनको मकबूलियत अता हुई, तो हमारे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ना वो वहीं जाकर के पढ़ गए, इसीलिए उनको अल्लामा शामी कहते हैं। अबू खालिद कुर्दी शामी के पास शाम जाकर के पढ़ गए, और उनको जो इल्मी मकबूलियत नसीब हुई वो इसी सोहबत की बरकत से। और बगदाद से चले सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और वो उनकी सोहबत में जाकर के बैठ गए और उनसे बैत हुई, और बैत होकर के उनसे इक्तिसाबे फैज किया, और उसके बाद उन्होंने रूहुल मानी लिखी, जिसके बारे में अल्लामा नौशा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया करते थे कि रूहुल मानी जैसी अजीम दूसरी कोई तफसीर नहीं है। अल्लामा नौशा कश्मीरी इब्न हजर सानी वो ये फरमाया करते थे। तो मैं मेरे भाइयों ये अर्ज कर रहा हूं कि सोहबत बहुत जरूरी, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमावे, ये सोहबत बहुत जरूरी। तो ये जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी गई उसमें अल्लाह ताला शानहू यही फरमाते हैं कि ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी से डरो और बचो, दूर रहो अल्लाह की नाफरमानी से, और अल्लाह की नाफरमानी से डरने वाले और बचने वालों के साथ रहो, वकुनु मास सादिकीन। तवज्जो कीजिए, मास सादिकीन सच्चों के साथ रहो, और सच्चों के साथ रहो का क्या माना, मुत्तकी के पास रहो। शुरू में कहा ना या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्ला, ईमान वालो तुम मुत्तकी बन जाओ, और आगे है वकुनु मास सादिकीन, इसका माने कि मुत्तकी बन जाओ, और मुत्तकी बनने का तरीका क्या है, मुत्तकीन के साथ रहो, मुत्तकीन के साथ रहो। उलाइकल लदीन सदक व उलाइक हुमुल मुत्तकून, जो मुत्तकून है वही सादिकून है, और जो सादिकून है वही मुत्तकून है। सादिकीन के साथ रहो। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, वकूनु मा सादिकीन का क्या माना है, खालितुहुम, ये है सोहबत का माना, वकूनु मा सादिकीन, तुम अल्लाह वालों के साथ रहो। ऐसा नहीं कहा गया कि तुम अल्लाह वालों की बस जाकर उनकी तकरीर सुनकर के वापस घर चले जाया करो, ऐसा नहीं कहा कि उनके पास जाकर किताब पढ़कर के वापस घर आ जाए करो, उनके साथ रहो। वकुनु मास सादिकीन, उनके साथ रहो।
तो रहो का क्या माना, एक घंटे के लिए रहे, एक दिन के लिए रहे, नहीं कहा कि खा लेतू हूं उनके साथ, घुलो मिलो उनके साथ, मिलजुल जाओ उनको, तुमसे उंस हो जावे, तुमको उनसे उंस हो जावे, इतना आओ जाओ, इतना रब्त रखो, खा लेतू हूं। आपने दूध लिया एक कप के अंदर, और एक कप के अंदर दूध लेकर एक चम्मच जो है उसमें शहद डाल दिया, शहद डाल दिया तो वो शहद ऊपर से धीरे 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 नीचे सतह में बैठ गया। अब आप दूध पी रहे हैं, वो तो दूध ही का जायका है, शहद का तो जायका है ही नहीं। अब चम्मच से लेकर आप मिक्स करते हैं, इसको कहते हैं खालित, मिक्स करो ताकि इतना मिक्स हो जाए दोनों कि शहद और दूध ये दो अलग अलग जिस्म ना रहे, एक हो जाए। मुरीद और शेख का दिल जो है एक दूसरे की मोहब्बत में ऐसा लबरेज रहे दोनों के दिल कि वहां जो ख्याल आए वो यहां भी ख्याल आए, और यहां जो ख्याल आए तो वहां भी ख्याल आए। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अनु हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे मिलने के लिए, अबू बकर कैसे आना हुआ, बस दिल में दाइया पैदा हुआ कि आपके पास आकर जियारत कर लूं, तो हुजूर फरमाते थे कि मेरे दिल में भी यही ख्याल आ रहा था कि अबू बकर से मिलता। ये अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर करते हैं कि वकुनु मासादिकिन के मतलब खालितु हूं, उनके साथ मिलजुल जाओ, दिल तुम्हारा उनमें लगा रहे, उनके अफाल में, उनके आमाल में, दिल चाहे कि उनको देखते रहे, दिल चाहे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और दिल ऐसा मिलजुल जाए कि वो ऐसे कपड़े पहन दे तो मैं भी ऐसे ही पहनूं। एक तो होता है ना कि देखा देखी, एक होता है खानकाह का एक यूनिफॉर्म बन जाता है, दिल में शेख की मोहब्बत है या नहीं है, सारे मुरीद एक जैसे कपड़े। और बहुत सी जगहों पर ऐसा भी होता है कि शेख साहब आए शहर में तो सब उस यूनिफॉर्म में आ गए, शेख साहब चले गए तो वापस ट्रैक सूट बॉटम में आ गए। ये रहे हकीकत में दिल में मोहब्बत, ये कोई अपनी अलामत नहीं कि मैं फुला हलके से ताल्लुक रखता हूं, मैं फुला सिलसिले से ताल्लुक रखता हूं। दिल में अगर मोहब्बत इतनी हो गई कि मैं तो टोपी भी मेरे शेख जैसे ही पहनूंगा तो पहन, यूनिफॉर्म के तौर पर ना पहने, कोई अलामत के तौर पर ना पहने। हमारे बुजुर्गों में ऐसे मुरीद भी होते थे कि जो आशिक थे, मुहिब थे, मगर उस दर्जे के नहीं थे, तो शेख के कपड़े अलग है, मुरीद के कपड़े अलग है। और दूसरे ऐसे उशाक थे कि वो उस दर्जे से ऊपर के थे तो वो शेख की नकल भी करते थे। खा ले तू हम, उनके साथ मिलजुल जाओ, बस इस दर्जे की मोहब्बत काफी है, इस दर्जे की मोहब्बत काफी है कि इबादत, मुआमलात, मुआशरत और हुस्ने अखलाक में उन जैसे बनने का जज्बा पैदा हो जाए, चाहे टोपी अलग रहे, चाहे कुर्ता अलग रहे, दीन के मामले में जज्बा पैदा हो जाए कि मेरे शेख ऐसा करते हैं तो मेरे शेख बहुत सखी है, मैं भी सखी बनना चाहता हूं, मेरे शेख बहुत रहमदिल है, मैं भी रहमदिल बनना चाहता हूं, मेरे शेख सुन्नत के मामले में बहुत, मैं भी ऐसा करना, मेरे शेख अदबुल माशर, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, मेरे शेख इल्म के हरीस है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। आप लिबास शेख जैसा पहन के चलते फिरते रहो, अमाल शेख के अलग, आपके अमाल अलग, उनकी मुआशरत अलग, आपकी मुआशरत अलग, उसकी आपको फिक्र ही नहीं है, तो इससे रूहानियत में आपकी कोई तरक्की नहीं होगी, रूहानियत में तरक्की उससे होगी। अमाल में, अखलाक में, किरदार में शेख जैसे बनो। आपके लिबास से नहीं, आपके अमाल और अखलाक से लोग पहचाने कि ये फुला शेख का मुरीद मालूम हो रहा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवस्सिलीन के बारे में ऐसा कहा जाता था कि जब वो किसी के साथ मामला करते थे तो लोग कहते थे कि तुम्हारा थाना भवन से ताल्लुक तो नहीं, पहचान जाते थे मामला को देखकर, एहतियात को देखकर।
खालितुहुम, इतना ताल्लुक रखो, इतना ताल्लुक रखो कि उनके साथ घुल मिल जाओ। हजरत मौलाना हम्मदुल्ला हलीजवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं पाकिस्तान में, अहले इल्म में तो मशहूर है मगर अवाम में इतने मशहूर नहीं, बड़ी खानकाह थी उनकी उनके जमाने में। ये मौलाना हम्मदुल्ला हलीजवी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख के पास जब जाते थे तो इमामत छोड़ के जाते थे छुट्टी में। उनके हालात में लिखा है कि जब जब भी वो अपने शेख के पास गए तो एक मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अज खुद कहा हो कि हजरत मेरी तो छुट्टी 3 दिन की है, अब मुझे इजाजत हो तो मैं जाऊं, कभी नहीं। ये ज़हन बना करके जाते थे कि अगर कमेटी वाले निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, मगर जाएंगे तब जब शेख कहेंगे। शेख पूछते थे कि कब तक का इरादा है, तो फरमाते थे जब तक आप फरमाएं। तो ऐसा भी हुआ कि जाते थे एक हफ्ते की नीयत से और 4-4 महीने का क़याम रहा। फिर अल्लाह ने क्या मकाम दिया, देखो ये जितने मशहूर यानी मकबूल होते हैं, मशहूर अलग बात है, मशहूर मकबूल किसको कहते हैं, जिसकी तरफ अहलुल्लाह की नजर हो, अहलुल्लाह खींचे चले जाए, उलमा खींचे चले जाए। अवाम तो हर किसी के पीछे चलते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी की मकबूलियत मालूम करनी हो कि इंदल्लाह वो कितना मकबूल है, तो देखो कि जमाने के अहलुल्लाह का कल्ब उसकी तरफ खींचा चला जाता है या नहीं, उलमा को देखो कि उलमा का दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है या नहीं, अवाम का तो कोई एतबार नहीं। कैसी मकबूलियत अता फरमाई, हजरत बिन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग सोहबत में जाते थे, हजरत हाजी हजरत हम्मदुल्लाह हलीजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, और 70-80 साल की उम्र है, बुढ़ापा है, मगर अमली कुव्वत इतनी ज्यादा थी कि रोजाना फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते थे तो ईशा के बाद मजलिस से फारिग होकर मुसल्ले से उठते थे, बस आ जाते थे, फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे, 5 वक्त मुसल्ले पर फजर की नमाज के लिए खड़े हो जाते थे, तो फिर ईशा के बाद की मजलिस से फारिग होने के बाद घर जाते थे, मुसल्ले से वहीं बैठे रहते थे। तो क्या कहा अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने कि वकुनु मा सादिकिन का क्या माना, सच्चों के साथ रहो, यानी खालितुहुम, अगर खालितुहुम उनके साथ ऐसे दिल दिल से लग जावे, बस इतना काफी है, इसे कि दिल दिल से लग जाएगा तो जो भी फारिग वक्त होगा वो तो वहीं आएगा, फिर जितना फारिग होगा वहीं आ जाएगा, दिल दिल से लग जावे तो क्या होगा। खुद ये अल्लामा तफसीर करते हुए कहते हैं खालितुहुम लितकून मिसलहुम, ताकि तुम उन जैसे हो जाओ, खालितुहुम उनके साथ अपना कल्बी रब्त ऐसा पैदा कर लो कि उनके दिल में जो कुछ है वो यहां मुंतकिल हो जाए। हजरत हकीम अख्तर साहिब रहिमहुल्लाह तआला की एक बात याद आ गई मुझे, हजरत ये फरमाते थे कि 2 तालाब हैं, हो सकता है बांग्लादेश में ये मिसाल दी हो हजरत ने, 2 तालाब हैं, एक तालाब मछलियों से भरी हुई है, इससे कि बांग्लादेश में घरों के साथ तालाब होते हैं और तालाब में मछलियां होती है, उसकी वजह से घर का वैल्यू भी बढ़ता है। तो कहा कि एक तालाब में मछलियां हैं और दूसरे तालाब में मछलियां नहीं हैं, जिस तालाब में मछलियां नहीं है उसको अगर मछलियों से भरना हो तो तरीका क्या है, कहा कि इसकी सरहद को उसकी सरहद से मिला दो, इस तालाब की बाउंड्री को उस तालाब की बाउंड्री से मिला दो, यानी खोद करके दोनों को एक कर लो, तो इधर का पानी इधर आएगा, इधर का पानी इधर आएगा, इधर की मछलियां उधर और उधर की मछलियां उधर, तो यहां जो है वो यहां आ गया, यहां जो है वो वहां चला गया, सेम। खालितुहुम, ये देखो मिल घुल गए 2 तालाब, तो इस तालाब में जो मछलियां घूम रही थी वो अब यहां भी घूम रही है। तो शेख के इश्के इलाही के तालाब के साथ हमारे जो जो दिल का तालाब है उसे मिला दो, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वहां से सारे अखलाक फाजिला यहां आ जाएंगे। और ये अल्लाह का फजल खास होता है कि उधर से जब फैजान होता है तो फैजान की ताकत ज्यादा होती है और बुराई यही खुद ब खुद मिटनी शुरू हो जाती है।
दिल तो बहुत करता है कि मैं इस मौजू पे बात ही करता चला जाऊं, इसलिए कि इस दौर में सोहबत सालेह का और जिक्रुल्लाह का जो कि असल इलाज है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है उम्मत को, जिक्रुल्लाह की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सोहबत सालेह की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जो सोहबत सालेह को समझते हैं कि नेकों की सोहबत में बैठना चाहिए, अपने मशाइख के पास जाकर बैठना चाहिए, अपने मशाइख की सोहबत से फायदा उठाना चाहिए, वो भी अब तकरीरों की हद तक, मजलिसों की हद तक। और जब तक शेख बात कर रहा है मजे ले रहे हैं, अशार सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, लतीफे सुन रहे हैं, और जहां ऐलान हो गया कि भाई चलो थोड़ी देर के लिए जिक्र कर लेते हैं, तो आधे उठ के चले जाते हैं। मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं, शेख की मंशा पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्ने कलाम से होगी, इसके लिए कोई तैयार नहीं। और इस सोशल मीडिया ने रही सही कसर भी खत्म कर दी, रही सही कसर भी खत्म कर दी, इसलिए कि लोगों का जहन ऐसा बन गया है कि अब घर में बैठे बैठे हमारे मोबाइल गैजेट के ऊपर दुनिया भर के जितने मशाइख और उलमा और अल्लामा और मुफ्तियान किराम और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हैं, और माजी के भी जो दुनिया से चले गए हैं उनके भी बयान हम तो घर में बैठ के सुन सकते हैं, तो हमारे शेख के पास जाने की क्या जरूरत है? शेख की बात तो हमारे घर में पहुंच रही है तो घर ही बैठ करके सुन लेते हैं। अगर कोई मजबूरी होगी तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आम मनवालुहु फजल फरमाएंगे, मजबूरी के बगैर फजल नहीं फरमाएंगे। बगैर मजबूरी के अगर कोई शख्स पानी को छोड़कर तयम्मुम करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, लेकिन मजबूरी है, पानी है ही नहीं, अब तयम्मुम करेगा तो एग्जैक्टली सही। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई अगर तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लोगे तो कम दर्जे की होगी मगर चलो हो जाएगी, ना, एग्जैक्टली सही। मजबूरी है आपकी कोई, उस मजबूरी के नतीजे में अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सबक, ऑनलाइन सबक पढ़ रहे हैं, तो मजबूरी के नतीजे में पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह इल्म भी मिलेगा और नूर भी मिलेगा, इसलिए कि मजबूरी की वजह से पढ़ रहे हैं, इल्म भी मिलेगा नूर भी मिलेगा। अगर किसी मजबूरी की वजह से आप सुन रहे हैं अपने शेख की बात घर से, जैसे औरतें हैं नहीं आ सकती मजलिस में सोहबत में, तो अल्लाह ताला शानहू उनको वही रूहानियत अता फरमाएंगे जो मर्दों को मस्जिद में देता है। लेकिन बगैर मजबूरी के अगर कोई ऑनलाइन सबक पढ़ता है तो उसे अल्फाज नबुवत मिलेंगे, नूरे नबुवत नहीं मिलेगा। आजकल सबको आलिम बनने का शौक है, आलिमा बनने का शौक है, और उसके लिए बहुत आसान आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं लोग, ये घर में बैठे बैठे बस हम पढ़ ले ऑनलाइन। पर मैंने कहा था अभी कुछ दिनों पहले कि वो दिन दूर नहीं है कि अभी तो ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि वो लेसन का रिकॉर्डिंग होगा और रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर इंट्रोड्यूस करेंगे और एडवर्टाइज करेंगे कि हमारे यहां ऐसा ऑनलाइन आलिम क्लास है कि आपको वक्त की पाबंदी करने की भी जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड है, आप चाहे सुबह 9 बजे सुन लो चाहे रात को 10 बजे सुन लो। तभी उम्र में एक साहिब मुझे मिले थे तो वो मुझे कहने लगे कि मैं तो ऐसे मदरसे में पढ़ रहा हूं कि वहां क्लास में हाजिरी भी जरूरी नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहा हर लेसन रिकॉर्ड होता है तो जो गैर हाजिर रहता है वो घर बैठ करके सुन ले ऑनलाइन। अभी तो शऊर का और सूझबूझ का जमाना है, इसमें अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जाकर क्या होगा? और हम बुजुर्गों के हवाले से सुना करते थे तालिबे इल्मी के जमाने में, क्या सुना करते थे कि बुजुर्गों ने ये कहा है कि जो एक दिन के सबक को नागा करता है तो उस नागा करने की वजह से, उस गैर हाजिरी की वजह से आइंदा 40 दिन तक बरकत से महरूम हो जाएगा।
बरकत से महरूम हो जाएगा। और हजरत मौलाना हाशिम साहिब दामत बरकातहुम ने इस मलफूज को सुनाकर मुझे याद है हमें ये बताया था कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स पूरे साल में 8 दिन गैरा हाजिरी करता है तो पूरे साल की बरकत से महरूम हो गया। यानी एक जमाना वो था कि असातिदा ऐसा कहा करते थे कि भाई क्लास में आओ, इससे कि एक दिन अगर तुम गैर हाजिर रहोगे बगैर किसी मजबूरी के तो आइंदा 40 डेज तुम पढ़ोगे फिर भी बरकत से महरूम हो जाओगे। और आजकल ये कहा जा रहा है कि घर में बैठे बैठे पढ़ लो, आजकल ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्डेड दुरुस्त से तुम अपना आलिम बन जाओ। कोई जो कुछ भी कर रहा है मेरे भाइयों उनकी मर्जी की बात है, मेरे नजदीक जो नुकसान है और जो अच्छाई का पहलू है वो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर बयान करता हूं। अल्लाह के लिए आलिम बनना कोई फर्ज नहीं है, आलिम बनना फर्ज नहीं है, मगर सच्चा पक्का मोमिन बनना फर्ज है और उसके लिए सोहबत जरूरी है। हर कसो नाकस को आलिम बनाया जा रहा है, हर कसो नाकस आलिम बन रहा है, कच्चा भी पक्का भी ना, वो सिर्फ कच्चा है पक्का है, सुद मिल रही है या नहीं, तरबियत हो रही है या नहीं, कुछ नहीं देखा जाता। डॉक्टरी के अंदर हर चीज का लिहाज है, लोग के अंदर हर चीज का लिहाज है कि इल्म के साथ साथ तरबियत भी हो रही है या नहीं, यहां किसी चीज का लिहाज नहीं। मैंने अभी वहां उमरे के सफर में मेरे साथियों से कहा कि मैंने कहा कि भाई कुछ लोगों के मेरे ऊपर टेक्स्ट आए हैं कि वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का जो लाइव नशर होता है उसमें हमने तुझे देखा, मोहब्बत वाले लोग तो कहा कि हमने तुझे देखा और हमारे दिल को बहुत सुकून पहुंचा कि हमने देखा सलीम को। मोहब्बत में ऐसा होता है? तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा हम लोग इतना सारा खर्चा करके यहां मस्जिद नबी देखने के लिए आए, बीवी बच्चों को छोड़कर आए, दोस्त अहबाब को छोड़कर आए, घर बार को छोड़कर आए, हजारों पाउंड खर्च किए यहां आने के लिए या कई सौ पाउंड खर्च किए, और वो लोग अपने घरों में बैठ के मस्जिद नबी को देख रहे हैं, वो अपने घरों में बैठकर बैतुल्लाह को देख रहे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से हमारी तो बड़ी मजबूरियां हैं, तो हमें तो रोजे पाक की जाली सिर्फ आधी मिनट के लिए देखने को मिलती है जब हमारी बारी आती है, और वो लोग कई कई मिनटों तक लाइव देख रहे हैं रोजे अकदस की जाली को, और हमें तो बैतुल्ला नजर ही नहीं आ रहा है जब तक कि हम उठकर के किनारे तक न जाएं देखने के लिए। और वहां भी जाते हैं तो पुलिस हमें कहती है कि रो या शेख रो, तो हम मुश्किल से देख पाते हैं, और वो लोग घरों में बैठ करके बैतुल्ला को कितने कितने मिनटों के लिए देखते हैं। तो मैंने कहा कि लाइव है तो उनको रूहानियत हमसे ज्यादा मिल रही होगी। उनको रूहानियत ज्यादा मिल रही, मैंने कहा कोई कायल है इसका? पूरी दुनिया में ऑनलाइन जो बयानात सुनने वाले हैं, ऑनलाइन अपने मशाइख की मजलिसों को सुनने वाले हैं, ऑनलाइन अपने मशाइख से इस्तिफादा करने वाले हैं, ऑनलाइन इल्म पढ़ने वाले हैं, उनमें से कोई ये सोचता है कि मैं हफ्ते में एक मर्तबा आध घंटे के लिए यूट्यूब के ऊपर बैतुल्लाह को देखता रहूं और उससे मैं अपनी रूहानियत हासिल करता रहूं, हिदायत का नूर लेता रहूं, इसका कोई कायल है? जब इसका कोई कायल नहीं है तो इल्म रूहानियत के कायल क्यों हो गई? आला तो एक ही है, और शेख के अंदर हिदायत और नूरानियत का वो पावर नहीं है जो बैतुल्लाह के अंदर है। तो ऑनलाइन से अगर बैतुल्लाह की आपको रूहानियत नहीं मिल रही है, हिदायत का नूर नहीं मिल रहा है, तो शेख उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसकी आपको मिल रही है। हर शख्स अपने दिल में तमन्ना लिए बैठा है कि दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट सफिशियंट, या ये काम ही नहीं करता, वहां जाना पड़ेगा मुझे, वहां जाना पड़ेगा। हर शख्स कोशिश करता है कि मैं पैसे इकट्ठा करूं और वहां जाऊं। ये जो मोबाइल गैजेट्स हैं और ये जो नई सोशल मीडिया वगैरह की चीजें हैं, ये मेरे भाइयों मुझे और आपको मस्जिदों से दूर कर रहे हैं, ये मुझे और आपको अहलुल्लाह से दूर कर रहे हैं, ये मुझे और आपको उलमा की सोहबतों से काट रहे हैं। ये हालात दीनी मामलात में इन पर लानत भेजो और जो असल तरीका है उसे इख्तियार करो, असल तरीका है उसे इख्तियार करो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजा गया। मुत्तफक अलैहि मसला उर्सिल तो इलल खल्के काफ़ या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। तो पैगंबर की जिम्मेदारी होती है कि जब वो पूरी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है तो उन तक पैगाम पहुंचाए। तो क्या अल्लाह इस पर कादिर नहीं थे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े हो जाते और जो कुछ हदीसें इरशाद फरमानी होती रोजाना एक एक घंटे के लिए इरशाद फरमाते और पूरे आलम में आपकी आवाज पहुंच जाती? अल्लाह कादिर थे कि नहीं? मगर हुआ ऐसा नहीं हुआ। पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजा और पूरे आलम तक अल्लाह ने पैगाम पहुंचाया मगर रिजाल के जरिए पहुंचाया, सीना बसीना पहुंचाया। सहाबा ने आपसे इक्तिसाबे फैज किया, फिर सहाबा से ताबेईन ने इक्तिसाबे फैज किया, ताबेईन से तबा ताबेईन ने इक्तिसाबे फैज किया, सीना बसीना फैज फैलता गया फैलता गया फैलता गया फैलता गया, यहां तक कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को अल्लाह ने फैलाया और सीना बसीना वो पैगाम पहुंचा और पहुंच रहा है। असल तरीका यही है सोहबत। इसलिए मस्जिदों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो मेरे भाइयों, अपनी मकामी मस्जिदों में जल्दी जाओ नमाज से पहले, नमाज के बाद बैठे रहो मस्जिदों में बैठकर, नमाजों से पहले नमाजों के बाद जो आपको फायदा होगा वो YouTube पर किसी का बयान सुनने से नहीं होगा। सुनो, बयान भी सुनो, इल्म बढ़ेगा आपका, दीन की समझ बढ़ेगी, बड़े बड़े उलमा के बयान सुनो, मगर ये दो अलग अलग प्रोग्राम रखो। एक प्रोग्राम है बड़े बड़े बुजुर्गों के बयान सुनने का, उसके लिए वक्त मुकर्रर करो कि हफ्ते में मैं इतने घंटे के लिए ये काम करूंगा। दूसरा प्रोग्राम ये मुकर्रर करो कि मुझे अल्लाह के घर में बैठना है, उस माहौल में बैठना है, उस माहौल में बैठना है जहां रहमतें उतरती हैं, जहां नुज़ूले मलाइक होता है, उसमें वहां बैठना है मुझे इतने घंटे हफ्ते के। और तीसरा प्रोग्राम ये बनाओ कि मुझे मेरे मकामी उलमा की सोहबत में बैठना है, हमारी मस्जिद के मकामी उलमा अइम्मा के रोजाना मैं हमारे इमाम साहिब की मजलिस में बैठूंगा, रोजाना नहीं हफ्ते में दो मरतबा बैठूंगा, हफ्ते में दो मरतबा नहीं हफ्ते में एक मरतबा। और चौथी बात, मशाइक को ढूंढो, अहलुल्लाह को ढूंढो, बिलखसूस अपने शेख को, और हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा, साल में एक मरतबा, दो मरतबा, दस मरतबा उनकी सोहबत को इख्तियार करो। इसको जरूरी समझो, इसको जरूरी। एक है इल्म, इल्म का हासिल होना, और दूसरा रूहानियत का हासिल होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया के जरिए तकरीरें सुनकर के इल्म हासिल हो जाएगा, रूहानियत सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल नहीं होती। भाई आप रुकिया पढ़ते हैं तो रुकिया पढ़ते हैं तो किसी पर दम करेंगे, वो टेलीफोन के जरिए होगा, टेलीफोन के जरिए वो दम पहुंचेगा, उसका सामने होना जरूरी है सोहबत के लिए, सोहबत जरूरी है। ये बात अलग है कि आप माशाल्लाह बेवकूफ इतने हो गए हैं दीनी मामलात में, दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में, कि आपको ऐसे आमिल भी मिल जाते हैं जो इंडिया पाकिस्तान में बैठे बैठे टेलीफोन से आप पर दम करते हैं और आप 500 पाउंड का चेक भी भेज देते हैं। मैं जानता हूं ऐसे वाकियात भी, क्योंकि हमारा इलाज पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में कैसे हो रहा है? तो कहा कि वो टेलीफोन से मेरे पर दम करते हैं। मैंने कहा इससे अच्छा तो ये होता कि वो ये कहते कि मैं दम कर रहा हूं वहां तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, तो कुछ समझ में भी आता कि वो हवा लेकर के आएगी, लेकिन टेलीफोन वायर के जरिए कैसे दम पहुंचता है? लेकिन ऐसी चीजें हमें बहुत पसंद, क्यों? इससे कि इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। और ऐसे उलमा के पास हम जाते हैं जो हमें कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकिया है, किसी से दम क्यों करवाते हैं, खुद ही पढ़ लिया करो ना। अब ये तो को होमवर्क दे रहा है, ऐसा शेख नहीं चाहिए हमें, ऐसा आलिम नहीं चाहिए। अल्लाह ताला शानू हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक है इल्म का हासिल हो जाना और एक है रूहानियत का हासिल हो जाना। एक है इल्म का हासिल हो जाना, दूसरा है नूरे नबुवत का हासिल होना, नूरे नबुवत का हासिल होना। टेलीफोन पर आपने किसी को सबक पढ़ा दिया, इल्म तो हासिल हो गया उसे
कि तफसीर का ये नुक्ता है और ये नुक्ता है और ये नुक्ता है, नूर मुंतकिल नहीं हुआ, नूर के लिए आपका पास बैठना जरूरी था। जानू ये तलम्मुस तह करो, ये लफ्ज है कि इन्होंने माशाल्लाह अल्लाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जानू ये तलम्मुस तह किया, ये लफ्ज ही खत्म हो गया। कितना मुबारक लफ्ज था, जानू ये तलम्मुस तय किया कि तालिब इलम बनकर के दो जानू होकर उनके पास बैठे और डायरेक्ट उन्होंने इक्तिसाब फैज किया। सोहबत, सोहबत की इतनी अहमियत थी कि यार जरा यहां से गुजर जाओ ना, यहां एक साहिब है जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, उनकी जरा मुलाकात कर लेते, इतनी अहमियत थी, इतनी अहमियत। इधर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवस्सिलीन में से कोई साहिब यहां है, इन्होंने हजरत थानवी को देखा है, चलो इनकी जियारत कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक साहिब थे, वो मस्जिद में दाखिल होते थे तो मस्जिद रोशन हो जाती थी, आम आदमी मस्जिद रोशन हो जाती थी। जमाना है किसका, हजरत मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह का, वो भी साहिब बसीरत थे, साहिब बसीरत थे। हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता, हम जाहिरी आंखों से देखते हैं, इसे लाइट ऑफ होती है तो अंधेरा हो जाती है और लाइट ऑन होती है तो रोशनी हो जाती है। वो बातिन की आंखों से देखते थे, उनको नूर नजर आता था। अगर साहिब मासियत आता था तो जुल्मत तारी हो जाती थी, और कोई नेक आदमी आता था तो रोशनी हो जाती थी। तो हजरत मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई फला आदमी जब आए आइंदा तो मेरे पास पकड़ के ले आओ उसको, पकड़ के ले आए। तो कभी तू है कौन, उसने अपना नाम बताया कि और कुछ, तो क्या और तो कुछ नहीं, मैं तो एक सादा सा आदमी हूं, आम आदमी। तो कहने कोई खास बात है, इसलिए कि तू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद रोशन हो गई, अंदाजा नहीं लगा सका, बहुत लोग दाखिल हो रहे थे लेकिन बार बार देखने से पता चला कि तू है वो। तो कहा कि हजरत ये बात सही है आपकी, और लोगों ने भी मुझे कहा, मगर मेरे पास तो फिर है गया। तो क्या है, कुछ नहीं, एक मरतबा शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अली उनका काफला गुजरने वाला था, तो कहा लोगों में बातचीत हुई कि शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अली यहां से गुजरने वाले हैं, शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अली गुजरने वाले हैं, शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अली गुजरने वाले हैं। और ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तो तकसीम करता हूं, देता अल्लाह है, मैं तो तकसीम करता हूं, देता अल्लाह है, शेख तकसीम करता है, उस्ताद तकसीम करता है, देता अल्लाह है। इसीलिए शेख एक ही क्वालिटी के साथ सबको पढ़ाता है, मगर किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम। वो फैसले उनकी मेहनतों और उनके खुलूस की बुनियादों पर होते हैं। ये बेचारा बड़े इखलास के साथ गया होगा, तो उसने कहा मैंने भी सोचा कि अल्लाह वाले यहां से गुजरने वाले हैं तो मैं भी चला जाऊं। तो कहा मैं भी लाइन में खड़ा हो गया, हुजूम हो गया, वहां शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वहां से गुजर हुआ। तो कहते हैं कि गुजर जब हुआ तो शाह इस्माइल शहीद ऐसे गर्दन झुकाए बैठे हुए थे सवारी के ऊपर, और सवारी उनकी चल रही थी, और अचानक हजरत शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने ऐसे गर्दन उठाई और उठा करके मजमे की तरफ देखा, और मजमे की तरफ देख करके यूं फिर गर्दन झुका ली। तो कहा नजर सिर्फ मेरे ऊपर पड़ी, नजर सिर्फ मेरे ऊपर पड़ी। कहा बस उस दिन से आज तक हालत यह है कि जिस जगह पर जाता हूं तो रोशनी फैल जाती है, न किताबों से न वाजों से न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अली, शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अली कौन है, शाह वलीउल्लाह साहब के बेटे, या तो शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अली या
शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दोनों में से किसी एक ने मस्जिद में चिल्ला काटा, 40 दिन तक एहतिकाफ किया और एहतिकाफ करके अल्लाह की लौ लगाई, और जब 40 दिन एहतिकाफ से फारिग हुए और निकले बाहर, तो बाहर निकले तो वहां से एक कुत्ता गुजर रहा था, तो सबसे पहले नजर उस कुत्ते पर पड़ी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने वाकया लिखा है, सबसे पहले कुत्ते पर नजर पड़ी। उसका असर यह हुआ कि जिस गली में वो कुत्ता जाता था उस गली के सारे कुत्ते उसके लिए अदब से बैठ जाते थे। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इस किस्से को लिख करके फरमाते हैं कि अगर अहलुल्लाह की नजर एक कुत्ते पे पड़ जाए और उसके अंदर ये असर पैदा हो जाए तो अहलुल्लाह की नजर अशरफुल मखलूकात किसी इंसान पर और वो भी मोमिन हो उस पर पड़ जाए तो उसका क्या मकाम हो जाएगा। ये दो चीजें अलग अलग हैं मेरे भाइयों, सोहबत। इसलिए फिर भी मुकर्रर अर्ज करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों में और अच्छे माहौल में बैठो। आए नमाज पढ़ करके चले गए, आए अरे अल्लाह के बंदो घर जाकर के भी बैठना है यार, अल्लाह की मस्जिदों में बैठने की आदत डालो। बाज़ आरिफीन ने लिखा है कि मुनाफिक और मोमिन की मिसाल ही ये है, मुनाफिक और मोमिन की अलामत ही ये है कि मस्जिद में आए और परिंदे की तरह तड़पे कि कब नमाज खत्म हो जाएगी मैं चला जाऊं, कब नमाज खत्म हो जाएगी मैं चला जाऊं, कब नमाज खत्म हो जाएगी मैं चला जाऊं, तो ये मुनाफिक होने की अलामत है। और मोमिन की क्या अलामत है कि मस्जिद में आता है तो उसे उसी तरह सुकून मिल जाता है जैसे मछली को पानी में, और बाहर मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है तो बाहर तड़पता है। और देखो मेरे भाइयों, मैं कोई किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूं, मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, छोटे छोटे काम कोशिश करता हूं कि अल्लाह को राजी करने के लिए करता रहूं। मैं ये अमानतदारी समझकर अर्ज कर रहा हूं आप हजरात की खिदमत में, हमारी मस्जिदें सुनी हो जाएंगी अगर आप दीनी तबके के लोग ऐसा मिजाज बना लेंगे कि दीन के लिए जो कुछ करना है घर जाकर के यूट्यूब पर करना है। अब तो बहुत से लोगों ने तिलावत बंद कर दी कि बस तिलावत सुन लो, तो तिलावत सुनना अलग काम है और तिलावत करना अलग काम है, ये दो अलग अलग काम है। तिलावत करना अलग काम है और कुरान को समझना अलग काम है, ये दो अलग अलग काम है। तो लोगों के मवाइज को सुनना, अपने शेख की आवाज को सुनना ये अलग काम है, और सोहबत में बैठना ये अलग काम है, अच्छे माहौल में बैठना अलग काम है, वाज को सुनना अलग काम है। अब किसी बड़े से बड़े आलिम का आप घर में बैठकर के बयान सुनते हैं तो वो माहौल तो नहीं है जो मस्जिद का माहौल है। हाँ मजबूरी है कोई तो इंशाल्लाह आपको अजर सवाब वो मिल जाएगा, आपको वो रूहानियत मिलेगी किसी न किसी दर्जे में। पर इस पर जो है मैं हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात कहकर के खत्म करता हूं आज, और भी जहन में बातें तो बहुत आ रही हैं। वो ये कि हजरत शेख हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहिब पर खत लिखा, और हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी जो है वो दरियाबाद में रहते थे, और थाना भवन दरियाबाद से दूर है और लखनऊ दरियाबाद से करीब। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन इलाज की गर्ज से लखनऊ गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ दिन कयाम था वहां एक मुद्दत के लिए, तो बहुत खैरखाही थी एक दूसरे के लिए। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहिब इल्म आदमी थे, लिखने पढ़ने में बहुत ऊंचे दर्जे के, तो एक लालच रहती है कि ऐसे लोगों का अगर तज़किया हो जाए तो ये दीन के लिए बहुत मुअस्सिर साबित हो सकते हैं। तो हजरत मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अली को पता था कि इनका हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली की तरफ कल्बी मैलान है, तो हजरत ने लिखा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली लखनऊ तशरीफ लाए हुए हैं, तो मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त लखनऊ में गुजारी हजरत की सोहबत में। तवज्जो से सुनिए, हजरत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने खत लिखा हजरत पर जवाब में कि मैं बहुत मशकूर हूं आपका, बहुत ममनून हूं कि जनाब ने मुझे इसकी तरफ मुतवज्जे किया, जाहिर है खुश होना चाहिए। लेकिन वो तो उससे पहले जा चुके थे लखनऊ एक दो मरतबा, तो उन्होंने देखा कि भाई होता है ना जैसे ये हुजूम है, बहुत से लोग जो है वो बुजुर्गों के पास इसलिए नहीं जाते कि हमें प्राइवेट सेशन तो मिलता ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदो सिर्फ सोहबत काफी है, सोहबत। बहुत से लोग इसलिए नहीं जाते कि हम पीछे होते हैं, अहम लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देते,
مولانا عبد المجید بھی گئے تھے مگر ایسا ہی کچھ ہوا تھا تو ایک رکاوٹ تو یہ پیش آئی کہ میں لکھنے پڑھنے کے کام میں بہت مشغول ہوں اس لیے اول تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں بار بار جاؤں زیادہ دیر کے لیے جاؤں اور ایک دو مرتبہ میں گیا تو حضرت تک تو رسائی ہی نہیں تو جانے کا فائدہ کیا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر انہوں نے خط میں جواب لکھا کہ میں گیا دو چار مرتبہ مگر اول تو یہ کہ میں مشغول ہوں مشغولی کی وجہ سے میرے لیے بار بار لکھنؤ جانا مشکل ہے لمبی دیر تک بھی جانا مشکل ہے اور دوسرا یہ کہ میں ایک دو مرتبہ گیا مگر وہاں حضرت تک تو پہنچنا مشکل تھا ہجوم بہت زیادہ تو میں حضرت کے مواعظ اور حضرت کے خطبات اور حضرت کی تفسیر بیان القرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں اور استفادہ کر ہی رہا ہوں تو ایسا ہی ہو گیا نا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے استفادہ کر رہا ہوں میں یوٹیوب کے ذریعے استفادہ کر رہا ہوں تو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مقرر آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ حضرت لکھنؤ آئے ہوئے ہیں آپ حضرت سے فائدہ اٹھائیے وہاں جا کر اور اگر یہ چیز مانے ہیں کہ حضرت تک رسائی نہیں ہوتی تو حضرت سے ملنا مسافہ کرنا آگے بڑھ کر ان کے پاس بیٹھنا ان کا آپ کو دیکھنا آپ کا ان کو دیکھنا یہ سب ضروری نہیں ہے ضرورت حضرت کی مجلس کی صحبت ہے اور رہی بات یہ کہ آپ کا گھر میں بیٹھ کر حضرت کے ملفوظات کو پڑھنا حضرت کے مواعظ کو پڑھنا حضرت کی کتابوں کو پڑھنا اور حضرت کے علوم سے استفادہ کرنا اس سے علم آئے گا روحانیت کے لیے صحبت ضروری ہے یہ حضرت شیخ کی بات عرض کر رہا ہوں یہ ملفوظ مجھے جب ملا تو مجھے بہت تقویت ہو گئی مجھے بہت تقویت ہو گئی اور میں زیادہ قوت کے ساتھ یہ بات اب میں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو اچھے ماحول میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو اپنے مقامی علماء کے ساتھ بیٹھنا رکھو چاہے آپ کا تعلق جس شیخ سے بھی ہو علم بڑھے گا علماء کے پاس بیٹھنے سے میری ایک تقریر ہے وقت کی ضرورت اس کے اندر میں نے اس پر بہت تاکید کی ہے کہ آپ کا تعلق کسی ایسے شیخ سے ہے جو پاکستان میں ہے مگر آپ اپنی علمی ضرورت یہاں کے مقامی علماء کے پاس اگر نہیں بیٹھیں گے تو کیسے پوری کریں گے علمی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں مقامی علماء کے پاس بیٹھو اور صحبت صالح کا اہتمام کرو اپنے شیخ کے پاس اہتمام سے جاؤ بیٹھو اسی نیت سے جاؤ صحیح طریقے سے جاؤ اور اگر آپ کے شیخ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو پھر ایسے کسی شیخ کو ڈھونڈو کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارے شیخ سے تعلق بھی برقرار رہے گا تو وہی دے مطلب کا معاملہ بھی ٹھیک رہے گا اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اللہ تعالی شانہ ان چند گزارشات کو میرے حق میں اور آپ کے حق میں قبول فرمائے دیکھو میرے بھائی صحبت کے بغیر ملے گا نہیں صحبت صالح تورا صالح کنت نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی صحبت طالح تورا طالح کنت اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی ایک غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا وہ ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں حمام میں گیا تو وہاں ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا سوئل ڈھیلا پڑا ہوا تھا اس میں سے خوشبو آ رہی تھی تو کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تیرے اندر سے تو خوشبو آ رہی ہے تو تو مشک ہے یا امبر ہے ڈھیلا کہا تو مشک ہے یا امبر ہے دونوں قیمتی چیزیں ہیں تو کہا کہ وہ ڈھیلے نے مجھے جواب میں کہا کہ میں تو مشک بھی نہیں ہوں اور امبر بھی نہیں ہوں میں تو ایک ڈھیلا ہوں سادہ سا سمپل ڈھیلا تو کہا پھر تیرے اندر سے پھٹ پھٹ پہ خوشبو کیوں آ رہی ہے تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ یہ میری قسمت تھی کہ میں ایک بہت زیادہ خوشبودار پھول والے درخت تک کے قریب تھی یہ ڈیلا کہتے میں قریب تھا اور وہ خوشبودار پھول والے درخت کی ایک ٹہنی کے اوپر بہت سارے پھول آئے اور وہ جھکی ہوئی تھی تو وہ پھول جو ہے وہ میرے ساتھ لگے تو میں تو ایک سادہ سا ڈھیلا ہوں جس میں خوشبو وشبو کچھ نہیں لیکن یہ میری سعادت تھی کہ مجھے خوشبودار پھولوں کی صحبت ملی تو جب مجھے ان کی صحبت ملی تو میں بھی انہی کی طرح خوشبودار ہو گیا اصحاب کہف کے ساتھ وہ کتا بھی چلا گیا تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا دیکھو صحبت کا فائدہ کتے کا بھی ذکر آیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُمْ دِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ اور بعض حضرات نے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنت میں ہوگا
ये जो असाबी कहफ का कुत्ता है वो जन्नत में होगा, अल्लाह पाक करके उसे जन्नत में दाखिल करेंगे उनके साथ। साथ गया सिर्फ, वो तो मुकल्लफ भी नहीं था, उसने कुछ नहीं किया, साथ गया सिर्फ। मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, किसी भी परिंदे के बच्चे, तो अंडों के ऊपर कौन मेहनत करता है? कोई नहीं, बस वो मुर्गी की सोहबत में बैठे रहते हैं। तो आप जो है एक अंडे को मुर्गी के करीब रख दो, एक अंडे को जो है सोने की तश्तरी में रख दो, एक अंडे को रेशम के कपड़े में रख दो, देखो कि उसमें से अंडा बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो मुर्गी की सोहबत में रहता है, मुर्गी के नीचे बैठा रहता है, वो पड़ा रहता है, तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। जिंदा जिंदा वो मुर्दा चीज जिंदा होती है, मुर्दा अंडा जिंदा हो जाता है। तो मुर्दा दिल जब शेख कामिल की सोहबत में इश्क इलाही की हरारत को महसूस करता है तो वो भी जिंदा हो जाता है। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। बस इसी पर खत्म करता हूं। सोहबत सालेह का बहुत ज्यादा एहतमाम करो, और ये ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो। देखो मेरी तो कोई बात मानता है नहीं मानता है, मैं तो कहता ही रहता हूं और इंशाल्लाह कहता रहूंगा। जिस चीज के बारे में मुझे यकीन हो जाता है कि ये लोगों के दीन के लिए मुफीद है, मैं उसको बयान करता हूं, और ये लोगों के दीन के लिए मुजिर है, नुकसानदेह है किसी भी दर्जे में, चाहे वो जायज ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी कहता हूं कि जायज है मगर बचो, जायज है मगर बचो, ये नुकसानदेह है आपके लिए, नुकसानदेह है आपके लिए। आजकल जो है ये, मैंने कहा था जब कोरोना वायरस में हम आए, सब घिरे हुए थे, अपने अपने ओलामा के टेलीफोन आते थे, उनसे मैं कहता था कि अल्लाह से दुआ करो कि कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद ये ओलामा के बयानात का ऑनलाइन कराने का रिवाज है ये जारी ना हो जाए। मुझे खतरा था उस वक्त से, इसलिए कि उम्मत जो सोहबत में बैठ रही है वो सोहबत खत्म हो जाएगी। मैंने ये कहा था उस वक्त, मौली अहमद को बार बार कहा, और ये दूसरे उलमा भी मुझे फोन करते थे, मैं उनको कहता था कि अल्लाह से दुआ करो कि इस वक्त ऑनलाइन मकतब शुरू हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल उलमा अपने अपने घरों में बैठ करके मकतब शुरू कर दे। और हो गया। इंग्लैंड में एक शख्स मैनचेस्टर में बैठा हुआ है, लेस्टर में बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, और वो मकतब पढ़ा रहा है। और मकतब में तलबा कौन है भाई? एक कोई अमेरिका से पढ़ रहा है, कोई कनाडा से पढ़ रहा है, कोई फलां, हर शख्स अपनी सहूलत के मुताबिक। तो सोहबत के बगैर कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहिब ने, मौली मोहम्मद अली के वालिद साहिब ने, मौलाना जुबीर के वालिद साहिब ने, मौली याकूब के वालिद साहिब ने, इनकी जिंदगियों में जो मुआशरती अखलाक है वो कभी बैठकर सिखाए नहीं होंगे कि बेटा देखो अगर हमारे यहां कोई मेहमान आ जाए तो प्रिंसिपल नंबर वन ये है, प्रिंसिपल नंबर टू ये है ना। हमारी जिंदगी में जो रहन सहन में जो हमारे अखलाक है, जो किरदार है, वो हमने बचपन से हमारे मां बाप को जो काम करते हुए दिखा वो आ गई, और जो किताबों में हमने मकतब में पढ़ा वो चीजें इतनी हमारी जिंदगियों में नहीं आई जो मां बाप को देख करके आई। सोहबत से जो चीजें आती हैं वो पढ़ने से नहीं आती, पढ़ने से तो इल्म बढ़ता है, बस असल चीज सोहबत है। इसीलिए लोग सोहबतों का बहुत एहतमाम करते थे। तो इसे जो है मामूली मत समझो मेरे भाई, जो ये सोहबत साले बहुत अहम, बहुत अहम। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु। ये बिखरी हुई बातें थी, थका हुआ हूं, कुछ सर्दी का भी असर है, बहुत लंबा सफर है, और अखीर में बहुत कम सोया वहां भी, और फिर रात का सफर था, तो एरोप्लेन में हम रात का सफर होता है, और खासतौर पे जब नमाज का वक्त होने वाला होता है तो सोते ही नहीं कि नमाज कहीं चली ना जावे, वुजू बाकी है, वुजू टूट जाएगा नींद की वजह से, और फिर यहां आने के बाद जुमा का दिन भी कल जो है सिर्फ 2 घंटे सोया मस्जिद से पहले, और रात को फिर सोते सोते 3:30 बज गए, और सुबह फिर फजर के बाद मुश्किल से नींद आई, इसलिए कि नजला जुकाम शुरू हो गया था, तो सोया भी बहुत कम हो। लेकिन आप हजरत की मोहब्बत है, अल्लाह का फजल होता है कि कुछ बातें अर्ज कर देता हूं। जितने दर्द दिल से मैं आप हजरत के सामने अर्ज करता हूं बातें, मेरे भाईयों उसी खुलूस के साथ आप भी इन बातों को हिर्जे जान बनाए। दुनिया क्या कर रही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मेरी बातें अकल में आती तो है ना, मेरी बातें सेंस होती तो है ना, तो फिर इस पे अमल करो, खुद को भी बचा लो, बच्चों को भी बचा लो, और खूब हिफाजत करो अपनी। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु हमें तौफीक अता फरमावे, हम सबको तौफीक अता फरमावे, हम सबको तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला ने अपने बरगुजीदा बंदों को उनके मेहनत, उनके मुजाहदे और उनके ताल्लुक में अल्लाह के नतीजे में जो खुसूसी समझ दी थी दीन की, अल्लाह हमें भी बगैर इस्तेहकाक के वो समझ अदा फरमा दे, और समझ अदा करके जैसे उनको अमल की तौफीक दी थी, बगैर इस्तेहकाक के हमें भी अमल की तौफीक दे,
और अल्लाह ताला शानहु ने अमल के नतीजे में जो बहुत आला दर्जे की विलायत और मारिफत और अनवार उनको दिए थे, अल्लाह हमें भी आला दर्जे की विलायत और मारिफत और अनवार अता फरमावे। और जिस तरह इन अनवारात और इन बरकात और इस मारिफत और इस इल्म के नतीजे में अल्लाह ने दूसरों की हिदायत आम्मा का काम उनसे लिया था, अल्लाह ताला हमसे भी हिदायत आम्मा का काम ले और ये नेमत सिर्फ अल्लाह हम तक महदूद न रखे बल्कि क़यामत तक हमारी नस्लों में चलाए, हमारी इल्मी नस्लों में भी चलाए, हमारी रूहानी नस्लों में भी चलाए, हमारी जिस्मानी नस्लों में भी चलाए। और ये नेमत अल्लाह ताला शानहु हमारे माँ बाप को, हमारे असातिदा को, हमारे मशाइख को, हमारे मुहिब्बीन को, मोहसिनीन को, अहलो आयाल को, अल्लाह ताला शानहु हमसे तवक्कु रखने वालों को, अल्लाह पूरी उम्मत को ये नेमत अता फरमावे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।